आर्मी कमजोर हो जाएगी जी, चार साल के लिए कोई को नहीं अपनी जान देवे जी। उसका दो बेबे होंगे, ब्याहनी पड़ गई जी, घर बनाना पड़ गया चार साल में। वो जब पक्का कच्चा है, चार साल नहीं मत परमानेंट में भाई, ना फांसी खा ली चार साल खातर, जब 15 साल खातर ले तो मतलब ना भी खावे। राम राम सर, ने मैं उतर गया कुसुम गोए तरिश टाइप में, जींद हूँ, जींद के बस स्टैंड पर। इतने सारे जो मेरे पीछे युवा साथी देख रहे हो ना, ये सारे के सारे अग्निपथ योजना के खिलाफ में खड़े हैं। तो हमने बेरा भी होगा कि भाई जगह जगह रोज प्रदर्शन होने लग रहे हैं, जगह जगह आगजनी होने लग रही है। ये भी इन छोरिया तक पूछांगे कि भी इनका के कुछ कहना है, क्योंकि ये सारे वे छोरे हैं जो फौज में भर्ती होने के इच्छुक है। तो पहले सर आप बताओ, राम राम। नमस्कार जी, के कुछ लेकर बैठे हो अग्निपथ योजना के बारे में? ये जी, 4 साल वाली योजना चालू करी है, बहुत गलत करी है जी। इसमें कई बालक तो इसे 6-6 साल तय रेस मारे हैं, तैयारी कर रहे हैं। कई का सपना भी था जी फौज में जाने का, सबका सपना टूट गया जी। जब सबका सपना टूट गया तो फिर एक बार तो गुस्सा तो आवेगा जी युवा ने। उसी के लिए खड़े हैं कि भाई ये अग्निपथ योजना जो या रद्द करवाई जावे, और जिनकी बड़कई करी हुई मेहनत खराब नहीं जावे जी। बिल्कुल, देखो भाई 4 साल के बाद तो फिर तो बेरोजगार हो जाओगे। बेरोजगार भी होगा जी, दूसरी बात 4 साल में जी आर्मी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें ठेकेदारी नहीं होती, या मतलब यो सभ्यता आ जाओगा इंडिया का, अपने देश की सुरक्षा का। इसमें बच्चे ने सब कुछ चलाना भी सीख जाओगे, ये भी गैंगस्टर भी बन जाएंगे फिर बाद में। 4 साल में तो बहुत सीखने को मिलेगा इनको। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें फिर बाद में ये गलत लाइन नहीं पकड़ेंगे, इसलिए इसको परमानेंट किया जाओ। इतनी सारी तो मेहनत करके नागला फौज में भर्ती हो, फिर 4 साल बाद छटा दे उन्हें। मैं बेरोजगार होगा दोबारा, कुछ साल लग गया। वो उम्र इसी आ जाएगी 25, क्यों को नहीं नी उम्र जो सी करण की है कि मैं करण क्यों तो फौज में कैट देना तो पढ़ पाओगा ना, नौकरी कर पाया उसके किमें हो गया, उसके घर के गए। या तो घर क्या ने फ्री मेडिकल दो, लग कर दो भाई तारा छोरा है किमें हो जाए तो भाई तारा सारा परिवार का मेडिकल फ्री। हाँ, सही बात है। पढ़ाई फ्री और बाकी जिस देश का है सत्यानाश। पहले कृषि कानून, ये भी है मिलिट्री वाले आगे। मारी एक मांग है, मोदी ना हटाओ, मामना मोदी चंदा ही नहीं प्रधानमंत्री। चलो भाई कुछ और है यारा साथी, आप क्या कहोगे? चलो भाई यारे खड़े हैं, कुछ फौजी वर्ग खड़े हैं, पूरी मूछ भी बना रहे हो अब तो फौजी वर्ग की। कई भाई ने सुसाइड कर लिया भाई, गलत बात है। इच्छुक हो आप? इच्छुक हो? इच्छुक तो है कि मैं करिया तो नहीं, सरकार ने 2 साल हो गए भर्ती पेपर था पेंडिंग पड़ा ही, तो ये वो पेपर कैंसिल कर दिया। ये बालक के करे है, बेरोजगार बहुत हो रहे हैं बालक। जो 4 साल की नौकरी है जी, 4 साल बाद उड़ा है कि क्या करेंगे जी? बच्चा क्या कर पाओगा 4 साल बाद है? फिर भी नुए रहोगा घर, फिर बेरोजगार तो इबे बनाए दिया। कई साल होगी पेंडिंग में पड़ी है भर्ती, 2.5 साल तो होगी पेपर का लारा लाए। कई बालकों ने सुसाइड कर ली, ना कोई एक्शन ले रही सरकार। हाँ, सचिन मरियन, सचिन फौजी ओड़ा है देव कुल निम्र तक। हाँ, हाँ। भाई ने फांसी खा ली 4 साल खातर, जब 15 साल खातर ले मतलब ना भी एक पेपर रद्द हो गया। कोई भाई सुसाइड ना करो, अपनी तो यह सलाह मामने बैठ के तैयारी करी दे। मारा मतलब 4 साल हटा कर 15 साल वाली मामने जुगर लिया पलो नुए लो भर्ती में, एयरफोर्स का रिजल्ट दो, जिनका पेपर है पेपर लो। मतलब जो रुपये देगा सीधी सी बात यह है। टैलेंटेड कोई मैटर को ना रखता इसमें, जो गोडे तोड़ेगा जाओ ना मतलब उसने को नहीं लेंदे, सीधी सी बात है पीछा चल लगा। प्रैक्टिस करो? प्रैक्टिस नहीं, हम पेपर दे रहे हैं। हमारा पेपर था, मेरा पेपर था। हाँ पेपर था, क्लियर तो होगा जब ना, जब ले हुआ है पेपर कैंसिल हो गया। कोने पेपर 4 साल हो गए जी, 1.5 साल हो गए पेपर हुए, 1.5-2 साल हो गए। एयरफोर्स का जी, मैं दे रहा हूँ एयरफोर्स का पेपर जी। अच्छा, ये ना तो हो रहा ना दोबारा को वैकेंसी आई एयरफोर्स की, मतलब मेरी उम्र जाली हुई 1 साल ऊपर होली। कितने साल के हो गए आप? मैं 19 का हो गया जी। 19 के हो गए। जो या अग्निपथ की करी है, या तो ये पहले तो 17.5 तक करी थी तेईस की, लेकिन आज जो फैसला बदल दिया 21 तक कर दी तेईस। मतलब ये भी गलत बात है, जो बात मतलब कई पलतू होली जो उम्र जी, ये मतलब जिंदी रेस मैली मतलब जो घर के जिनके ये आप तंग हो रहे जी, मतलब बालको लागे नौकरी गात का दौड़ा हो रहा है बालका पहला जी, मतलब और भी जी इनकी मतलब उल्टी लेनी चाहिए। मतलब हम सारे बिल्कुल विरोध में हो? हाँ बिल्कुल विरोध में जी। बिल्कुल भाई, देखो भाई इतने सारे युवा खड़े हैं और इनके भी सपने हैं कि भाई मां फौज में लगकर, फौज में क्यों लगना चाहो? नु बताओ। फरमियाज लगे के भरा उससे में लगा है
सपना है और सपना है देश की सेवा करना, देश की सेवा करना। और चार साल में कोने हुआ है? चार साल में तो गात का मतलब हम भी सुसंग सीधी सेवा है भी नहीं की ट्रेनिंग जी ट्रेनिंग है है 9 साल ही तो ट्रेनिंग हुआ है ते 4 साल में के कर लेंगे बच्चे पहले तो एक्समैन का दर्जा मिलता ही नहीं, ये 4 साल क्यों किया, उसने 6 साल क्यों नहीं किया, क्योंकि ताकि 5 साल के बाद में एक्समैन का दर्जा मिलता है। और ये 4 साल केवनाथ उसको एक्समैन का दर्जा मिले, 4 साल तक वो ट्रेनिंग करेगा उसका रिश्ता भी नहीं होगा, रिश्ता कुछ भी हाँ कुछ भी नहीं होगा बोलेंगे वो 4 साल में बिना बिना नौकरी के तो होता ही कोई नहीं। फिर रही दूसरी बात, जे उसका 2 बेबे होंगे मैं ब्याणी पड़ गई जी, घर बनाना पड़ गया 4 साल में, वो जब पक्का कच्चा है 4 साल नहीं मत परमानेंट 20 साल का जा 26 साल का कोई गुंडा 4 साल होगी जे 2 किले में के बना है जी अपनी तो यह सलाह है ईसना टाग ने जुगर पला था रुल नुकानू करो। दूसरी बात ये है विभे के अगर कहीं दूसरा देश अटैक करा है तो 4 साल वाला अपनी जान नहीं देगा, वो हथियार डाल करके वापिस देश को गुलाम बनाने वाला ये काम कर क्यों कर रहे हैं। अब मान लो जब मैं 4 साल ना मेरी पेंशन बनती ना मेरा वो मतलब शहीद का दर्जा तो मैं क्यों मरूंगा, इस चीज ने आप समझ जाओगे। जिस टाइम पर दूसरा देश हमारे पास में अटैक करेगा ये 4 साल वाले हथियार फेंक करके वापस कर हाँ और कहीं दाड़ियों में छुपेंगे वो देश के ऊपर अपना आप अटैक हो गया। बिल्कुल एक और है, आप क्या कहना चाहोगे जी अग्निपथ योजना के बारे में? कुछ नहीं आजमा गलत है वैसे बाकी नु है रोस है इनमें, ये भी सारे गुस्से में हो रहे हैं क्योंकि भाई देखो तुम इनकी शक्ल देख के अंदाजा ला सको कि भाई ये फौज की भर्ती खातिर तैयार खड़े हैं। गात का तो 3 कमतिया हो लिया, रेस मार मार के पिंजर लगड़ लिया जमा, चार चार पाँच पाँच साल हो गए मर देने। वीडियो ने शेयर कर दियो जींद के बस स्टैंड की ये वीडियो है और भी बूढ़ा लिया जी और माँ मर गई जमा या 4 साल ही सुनके जी आपकी हाँ जी मेरे मतबल सह जी मर गई जी 4 साल की सुनके एक तो उम्र भर की लाकर बाद में बुढ़ापा पलसन लग गया। अरे 4 साल में क्या हुआ है जी, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं कर सकते, 20,000 रुपये सारी तनख्वाह है उसमें क्या बना है जी, मतलब क्या करना चाहिए? ये 4 साल की ट्रेनिंग करवा करके अडानी अंबानी के गोदामों में उनको संतरी खड़ा करेंगे। और कुछ दिन अगर मांग ये है कानून देश के लिए आने पहले किसानों के ऊपर कदम उठाया, अब ये आर्मी के ऊपर जो अपने देश की रक्षा हाँ वो देश की रक्षा कर रहा है इसके अब तो आर्मी कमजोर हो जाएगी जो 4 साल के लिए कोई को नहीं अपने जान दे तो ये और क्या है, ये इसीलिए ये करवा रहे अंडानी अंबानी का सब कुछ उनके स्टोरों में ये ट्रेनिंग क्यों दिला रहा है 4 साल के लिए, भैया हथियार चलाना सीख जाएंगे और उनके अडानी अंबानी के स्टोरों में संतरी खड़े रहेंगे। बिल्कुल देखो जींद की तस्वीरें दिखाऊं मैं तो हमने जींद के बस स्टैंड की है और इस साइड इतने सारे युवा साथी खड़े हैं, इनकी भी एक उम्मीद थी कि भाई फौज में भर्ती होकर देश की सेवा करेंगे और उस साइड तक पुलिस ने भी देख सको कि भाई पुलिस भी खड़ी है। फिलहाल वीडियो ने शेयर कर दियो, मैं फिर मिलूंगी किसी और मुद्दे के लिए, तब तक के लिए मैंने दे दो इजाजत, राम राम।